especially the Nehru block. Again, I want to say, the Nehru block tried to एक प्रकार से सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म, इसका कारण भी है, मैं पुस्तक में भी बताया है, बिकॉज नेहरू वॉज अ सोशलिस्ट, नॉट ओनली सोशलिस्ट इवन ए कम्युनिस्ट. नेहरू वॉज अ मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल कॉमिंटर्न. ही वेंट टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड कॉमिंटर्न. ही मेट रजनी पामेदत एट द साइड लाइट्स ऑफ कॉमिंटर्न मीटिंग इन लियोसन. देयर रजनी पामेदत ने नेहरू को डिक्टेट करके दिया 1936 एसीसी कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंशियल एड्रेस क्या होना चाहिए. एसीसी का लखनऊ 1936 कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना था. उसके पहले यानी कॉन्फ्रेंस होने के पहले ही नेहरू जी इंग्लैंड गए, रजनी पामेदत से मिले. हु वॉज रजनी पामेदत? रजनी पामेदत वॉज इन चार्ज ऑफ इंडियन ब्रांच ऑफ इंग्लिश कम्युनिस्ट पार्टी. भारत में 1947 तक कोई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नहीं थे. वो भी एक मजाक का विषय है. भारत में अनेक पार्टियां हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय ऐसा ऐसा बहुत सारे पार्टियां हैं, लेकिन एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. मतलब ओरिजिनली ये पार्टी कहीं कहीं का है, भारत में इसका एक ब्रांच चल रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना. ये ओरिजिनल पार्टी कहां है भैया? वो कहीं बैठे है, ओरिजिनल इंडियन पार्टी नहीं है. ऐसे ही इस पार्टी को देखने के लिए इंग्लिश कम्युनिस्ट पार्टी और रशियन कम्युनिस्ट लीडरशिप कॉमिंटर्न कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ग्रुप ने रजनी पामेदत को काम दिए थे. रजनी पामेदत वॉज हाफ इंडियन हाफ इंग्लिश. ही डिक्टेटेड द स्पीच का मुख्य विषय उन्होंने डिक्टेट किया है. इसलिए है आप जरा 1936 लखनऊ कांग्रेस के नेहरू के जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस जरा पढ़िए. उसमें आपको अभी पढ़ने के समय यू विल बी लॉफिंग हंसेंगे. क्यों? वो बताते हैं, पूरे विश्व नीचे गिर रहा है, केवल कम्युनिस्ट रशिया आगे बढ़ रहा है. केवल कम्युनिस्ट रशिया आगे बढ़ रहा है. पूरे विश्व के लिए लायक एक आइडियोलॉजी एंड डेवलपमेंटल टेक्निक कम्युनिस्ट पार्टी के पास में है, यह नेहरू ने बताया. बिल्कुल उसी कालखंड में भारत के अंदर एक ऋषि हु नेवर वेंट आउटसाइड भारत. नेहरू अनेक बार बाहर गए, रशिया में भी गए हैं. वो ऋषि का नाम था गुरुजी गोरवलकर. वो गुरुजी गोरवलकर कम्युनिज्म के बारे में क्या बताया? कम्युनिज्म इज डिफेक्टिव इन थियोरी एंड डिस्ट्रक्टिव इन प्रैक्टिस. डिफेक्टिव इन थियोरी, वैचारिक दृष्टि पर अपूर्ण है कम्युनिज्म, डिफेक्ट है इसमें.